हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं क्रिप्टो राइजिंग स्टार। क्रिप्टो राइजिंग स्टार आपके लिए एनएफटी, क्रिप्टो करेंसी और गेमिंग प्रोजेक्ट के मुताबिक आपको अपडेट करता है। फ्रेंड, आपके सामने शानदार, अमेजिंग एंड कूल गेमिंग प्रोजेक्ट लाए हैं जो प्ले टू अर्न गेमिंग प्रोजेक्ट है, जिसका नाम है सोल ऑफ मेटा। फ्रेंड, इसमें आप खेल कर बहुत कुछ इसमें पैसिव इनकम कमा सकते हैं, जिसमें फ्रेंड आप देख सकते हैं कि इनके करेक्टर, इसके वाइपन्स वगैरह, इसका रिव्यू आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आप फ्रेंड इसमें रिव्यू करेंगे, जिसका यानी कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएगा, तो वहाँ से भी फ्रेंड आप इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। आप इसके मुख्तलिफ किस्म के करेक्टर, इसके वाइपन्स वगैरह को भी आप देख सकते हैं, और इसके पार्टनर, इसके टीम्स और मुख्तलिफ किस्म के सोशल प्लेटफॉर्म को भी आप फ्रेंड आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड हम चलते हैं, तो आप इसमें यानी कि आपने इसे डाउनलोड कैसे करना है, तो यहाँ देख सकते हैं एक्सेस फंड टू अर्न है, दूसरा है कि फ्रेंड डाउनलोड गेम। तो आपने डाउनलोड गेम के ऊपर क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा आपने इसमें वेट करना है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि गेम को जैसे आप इसमें करेंगे तो आपके सामने यहाँ देख सकते हैं कि आपको 3 किस्म के वर्जन आएंगे, जिसमें आपने डाउनलोड फॉर विंडो और डाउनलोड फॉर एंड्रॉयड और प्ले टू इन ब्राउजर। तो आपने इसमें डाउनलोड विंडोज पर करेंगे तो आपके सामने यहाँ देख सकते हैं कि नया ऑप्शन आएगा जिसमें आपको रेट दिया जाएगा। तो आपने इसमें यानी कि .exe के तौर पर यहाँ से फ्रेंड आप इसमें डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद फ्रेंड आपके सामने यहाँ देख सकते हैं कि उसने यहाँ बताया, तो आपने इसको यहाँ से आपने डाउनलोड एनी वे कर देना है। डाउनलोड एनी वे करने के बाद फ्रेंड देख सकते हैं, जैसे फ्रेंड आप इसकी गेम को डाउनलोड करेंगे तो आपके सामने यहाँ देख सकते हैं कि इसके यानी कि फंड टू अर्न यानी कि जो आपने इसमें किया होगा तो वो आपके सामने इस तरह का शो होगा। तो फ्रेंड सबसे पहले आपने इसमें फ्री टू प्ले है, उसके बाद फंड टू अर्न है, तो आप फंड टू अर्न के ऊपर क्लिक करेंगे। सबसे पहले फ्रेंड आपने इसमें रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के लिए फ्रेंड आप अपना यूज़र नेम, ईमेल, उसके बाद पासवर्ड, और उसके बाद फ्रेंड आपने पासवर्ड देने के बाद रजिस्टर करेंगे। आपको कन्फर्मेशन कोड आएगा, तो फ्रेंड आपने उस कोड को आपने वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद फ्रेंड आप इसमें दोबारा लॉग इन होंगे। तो आपने यहाँ से लॉग इन करने के लिए आपने अपना यहाँ से यूज़र नेम देना है, जैसे कि मैंने अपना ऑलरेडी दिया हुआ है। तो इसमें स्टार, तो आप इसमें स्टार और उसके बाद अपना पासवर्ड वगैरह आप यूज़ कर रहे हैं वो आप देंगे। उसके बाद आपने इसे क्या कर देना है, जैसे ही आप लॉग इन करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा जो इसकी मेन ऑफिशियल गेम का है। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं कि आपके सामने ये डाउनलोडिंग हो रही है। तो जैसे ही आप, तो फ्रेंड आप देख सकते हैं कि आपके सामने यानी कि इस गेम्स को यानी कि ओपन कर दिया गया। तो फ्रेंड आप इस गेम्स के तौर पर आप देख सकते हैं कि जिस गेम्स के तौर पर यानी कि यूज़ हो रही है। तो हमने जाकर फ्रेंड इसमें यानी मुख्तलिफ किस्म के करेक्टर वगैरह भी देख सकते हैं जो उसने यहाँ बताया। तो आप वाइफ फ्रेश करके इसमें मुख्तलिफ किस्म की और भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, जैसे कि आप हर तरह के यानी कि आपने करेक्टर को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ टैंक है तो आपने इसमें टैंक के ऊपर यानी कि एन के ऊपर भी कर सकते हैं। जैसे मैं टैंक को एफ़ के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आपके सामने यहाँ मुख्तलिफ किस्म के हैं, इसकी हेल्थ, इसकी स्ट्रेंथ, इसकी लाइफ वगैरह, उसकी मुख्तलिफ किस्म फाइव फार्म नज़र आ रहा है। तो आपने इसे बाई करना है। बाई करने के लिए फ्रेंड आप अपने ओपन लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ओपन लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ देख सकते हैं कि आपका अपना यहाँ से वैलेट कनेक्ट है। तो आप इसके टैंक की यानी कि रोल देख सकते हैं, प्रोफेशन देख सकते हैं, और इसके मुख्तलिफ किस्म ओरिजिन देख सकते हैं, अबिलिटीज़ देख सकते हैं, और इसके मुख्तलिफ मेंट वगैरह जो उसने यहाँ बताई हुई है वो भी फ्रेंड आप इसमें देख सकते हैं। तो फ्रेंड आप इसमें यानी मिनट के तौर पर यानी कि यहाँ से आप इसे यूज़ करेंगे। उसके बाद फ्रेंड आप अपनी माई एनएफटीज़ वगैरह को देखना चाहते हैं तो फ्रेंड आपने यहाँ से अपने यानी कि एनएफटीज़ वगैरह को भी यहाँ से देख सकते हैं, जो यानी कि फ्रेंड आपने यहाँ से जो बाई की हुई है तो वो भी फ्रेंड आपने इसमें यानी कि बाई कर लेनी है। और इसमें यानी कि करने के बाद फ्रेंड आपके अपनी यहाँ से एनएफटी वगैरह वो भी है, वो भी यहाँ से शो हो जाएगी, तो वो फ्रेंड आप इसमें देख सकेंगे। तो फ्रेंड आप इसमें देख सकते हैं तो जो मैंने एनएफटीज़ वगैरह ली हुई हैं तो वो फ्रेंड आपको थोड़ी देर बाद यहाँ से शो हो जाएंगी। तो फ्रेंड आप इस एनएफटी, तो फ्रेंड आप देख सकते हैं कि यहाँ से मेरा यहाँ सोल पैड एनएफटी यहाँ आपके सामने शो हो गया है। तो यानी कि टैंक एन के यानी कि मेरा करेक्टर है जो मैंने इसमें यूज़ करना है, और मेरा वाइपन जो है जो यानी कि हर्बनिंग के तौर पर आ रहा है तो वो भी फ्रेंड आप इसमें देख सकते हैं। तो इसमें करने के बाद फ्रेंड आपने अपने यानी कि ऑफिशियल यानी कि इस गेम्स के ऊपर चले जाएंगे। तो फ्रेंड आप इसमें गेम्स का जाकर फ्रेंड आपने इसमें यानी कि करेक्टर को यही सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो करने के बाद फ्रेंड आप अपने जाएंगे यहाँ से कीपर के पास जो यानी कि इसमें कीपर के तौर पर यहाँ यहाँ काम कर रहा है। तो वो फ्रेंड आपने इसमें यानी कि करने के बाद फ्रेंड आपने इसमें कीपर के पास जाएंगे। तो यहाँ से फ्रेंड इससे यानी कि आपने एफ़ यानी कि प्रेस करना है ताकि आपके यानी कि सारे यानी कि इसमें हो जाए। तो इसमें गेम्स के तौर पर फ्रेंड आपने इसमें यानी कि एफ़ प्रेस कर देना है। तो थोड़ी देर बाद फ्रेंड आप इसमें देखेंगे कि आपके यहाँ से जो यानी कि इसमें हो रही है, तो आपने इसमें टैंक यानी कि एन के ऊपर यानी कि फ्रेंड क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड आपने इसे सेलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट करने के बाद फ्रेंड आप देख सकते हैं कि आपका करेक्टर यहाँ से तब्दील हो चुका है। नेक्स्ट फ्रेंड आपने इसे वाइपन यानी कि करना है। तो वाइपन के लिए फ्रेंड आपने आगे जाना है। तो फ्रेंड आप इसमें वाइपन के लिए जाने के लिए फ्रेंड आपने इसमें मुख्तलिफ किस्म के यहाँ वाइपन दिए हुए हैं, तो वो भी फ्रेंड आपने यहाँ से सेलेक्ट करने हैं जो यहाँ देख सकते हैं जेमी है, और उसके बाद फ्रेंड आप मुख्तलिफ किस्म के और भी हैं जो यहाँ के यहाँ दिए हुए हैं और भी हैं, जैसे कि यहाँ स्क्रॉल यानी ब्रांड है, और उसके बाद फ्रेंड आप इसमें
मुख्तलिफ किस्म का यानी कि एल्जम पर तौर पर है, और उसके बाद फ्रंट ऑफिस में यहाँ क्या करना है हमें रहेंगे, तो आप इसके एफ़ के तौर पर यहाँ दे सकते हैं। तो आपने इसे यानी कि यहाँ से भी आप इसे बाई करेंगे, तो आपने इसे क्या करना है फ्रेंड, बाई करना है। बाई करने के लिए फ्रेंड आपने दोबारा वहीं से अपने ओपन लिंक पर जाएंगे, तो वहाँ से फ्रेंड आपने दोबारा यहाँ से आप इस यानी मुख्तलिफ किस्म के यहाँ दे सकते हैं, तो वो आपने मिंट वगैरह के तौर पर यहाँ से बाई कर सकते हैं। जो आपको मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि जो मेरी NFTs हैं जो यानी कि ऑलरेडी यानी कि यहाँ मैंने शो की हुई हैं, तो वो भी फ्रेंड आपके सामने यहाँ दिखाई गई हैं, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं कि जो मेरा आपका अपना करेक्टर जो मैंने इसमें यूज़ किया हुआ है वो यूज़ किया हुआ है। उसके बाद फ्रेंड आपने इसमें करने के बाद फ्रेंड आपने इसमें यानी कि करने के बाद फ्रेंड आपने जाना है अपने यानी कि कीपर के पास, जो उससे यानी कि आपको देगा। तो इसे कीपर के पास जाने के लिए फ्रेंड आपने अपने कीपर के पास जाएंगे, तो वहाँ से आपने इसे यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड आप इसमें यानी कि क्या करेंगे, तो आपने दोबारा एफ़ प्रेस करेंगे, तो एफ़ प्रेस करने के बाद फ्रेंड आप इसमें मतलब किसी की यानी कि आपकी देख सकते हैं कि आपकी चेंजिंग हो जाएगी, जो आपके पास यहाँ से देख सकेंगे कि आपके सामने यहाँ देख सकते हैं कि हैमर के तौर पर यहाँ बताया गया है। तो आपने इसे सेलेक्ट कर लेना है, सेलेक्ट करने के बाद फ्रेंड आप इसे यानी कि दोबारा करेंगे, तो आपके सामने यहाँ देख सकते हैं कि उसने हमें जो बताया वो हमारे सामने यहाँ शो हो चुका है। शो होने जाने के बाद फ्रेंड आपने इसे यहाँ से करेक्टर बाई करने के बाद फ्रेंड आप अपने जाएंगे, आप दोबारा यानी कि यहाँ स्टार्ट कर देंगे अपनी गेम को। तो आप अपने यानी कि गेम्स के तौर पर स्टार्ट करने के बाद फ्रेंड आप अपने जाएंगे यहाँ से, तो आप फ्रेंड आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो आपने यानी कि लिया हुआ है, तो वो भी फ्रेंड आप इसमें फ़न के तौर पर यानी कि फ़न टू अर्न के तौर पर यहाँ से प्रोफेशनली यानी कि यहाँ से जाएंगे। तो इसमें यानी कि जाने के बाद फ्रेंड आपने दोबारा एफ़ प्रेस करेंगे, एफ़ प्रेस करने के लिए फ्रेंड आप देख सकते हैं तो यहाँ से थोड़ी देर के लिए भी फ्रेंड आपसे यानी कि लेगा, तो आप यहाँ से प्रोग्रेशन यानी कि इसमें यानी कि प्रोग्रेशन यानी कि तौर पर हो जाएंगे इंटर। तो आपने इसमें इंटर के ऊपर क्लिक करना है, जैसे इंटर करेंगे तो फ्रेंड आप इस गेम्स के अंदर यानी कि इंटर हो जाएंगे। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं कि आप इस गेम्स के अंदर यानी कि इंटर हो चुके हैं। तो फ्रेंड आपने इसमें जाने के लिए यानी फ्रेंड आप अपनी यानी मुख्तलिफ किस्म की यहाँ देख सकते हैं जो उसने यहाँ बताई हुई हैं। तो इस गेम्स के तौर पर यानी कि आपने इसे खेलना है, और खेलने के बाद फ्रेंड आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें मुख्तलिफ किस्म की यानी कि आपने इसे गेम्स के तौर पर यानी कि आप इसमें खेलेंगे जो उसने बताया हुआ है, और इसकी यानी कि गेम्स को आपने किस तरह करना है। दोबारा हम इसे रिस्टार्ट करते हैं, तो हम डाइट्स हो गए हैं जिसमें यानी कि आपने दोबारा यानी कि इसमें करने के बाद फ्रेंड आप इसमें गेम्स को खेलना है। खेलने के लिए फ्रेंड आप इसमें मुख्तलिफ किस्म के गेम्स को यानी कि कर लेना है, और इसमें यानी कि तो फ्रेंड आप इसमें देख सकते हैं कि आपने इसमें यानी कि गेम्स को फाइट करना है, इसमें यानी कि खेलते रहना है। तो इसी गेम्स के मुताबिक यानी फ्रेंड आपके सामने यहाँ देख सकते हैं, तो उसी गेम्स को यानी कि आपने इससे यानी कि किस तरह खेलना है, और इसमें आपने टोकन वगैरह अर्न करना है SMP टोकन जो है, तो इसी को यानी कि आपने बाद में या BUSD में चेंज करेंगे। तो फ्रेंड आप इसमें देख सकते हैं कि गेम्स को यानी किस तरह यानी फाइट करना है, और आप इसमें यानी कि जैसे इस गेम को तौर पर खेलेंगे तो आप इसके यानी कि मुख्तलिफ किस्म कीज़ वगैरह को भी करेंगे, इसकी की स्किल्स हैच हेल्प के तौर पर भी आप इसे यूज़ करेंगे, और हर तरह के यानी कि स्किल्स के तौर पर फ्रेंड आपने इसे खेलते रहना है। और इसी गेम्स के मुताबिक यानी कि उसने यहाँ बता दिया है कि आप इस गेम्स को यानी कि किस तरह करेंगे, इसके लेवल्स के तौर पर यानी कि इसलिए आपने किस तरह करना है। तो इसमें यहाँ देख सकते हैं कि यानी कि आप अपनी बेंट वगैरह इसमें यानी कि फुल करनी है, तो जिसमें यानी कि आप इसमें यानी कि फ़ाइट के तौर पर कर सकते हैं, और इसे गेम्स के तौर पर आपने किस तरह खेलेंगे, इसमें यानी कि आपने किस तरह मरेंगे, तो इसमें यानी कि आप देख सकते हैं कि जो उसने यहाँ बताया हुआ है, तो आप इस गेम्स के तौर पर कर सकते हैं। तो इसमें यानी कि गेम्स के लिए यानी कि आपने इसे फाइट करते रहना है, और इसे यानी कि आपने खेलते रहना है। तो आप इसमें यानी कि बहुत कुछ यानी कि इसमें यानी कि कर सकते हैं। तो इसमें यहाँ देख सकते हैं कि जो उसने यहाँ बताया हुआ है, तो इस गेम्स के तौर पर आपने किस तरह खेलना है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि यानी कि आपने रनिंग तौर पर यानी करते रहना है। तो आखिरकार ये तौर पर ये देख सकते हैं डेड हो गया, तो इसमें यानी कि फाइट के तौर पर मैंने मार दिया है। आपका यहाँ से देख सकते हैं कि लेवल तौर पर यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। तो आपने यहाँ देख सकते हैं कि लेवल कंप्लीट है, स्टैटिस्टिक्स और इसकी इस्टीमेट लेवल गोल्ड यानी गोल्ड अर्न किए हुए हैं, बोनस, और उसके बाद आपकी प्रोग्रेस सेव हो गई है। तो प्ले अगेन इंट्रो यानी कि विन तौर पर कन्वर्ट कर सकते टोकन, इसमें आप बोनस वगैरह प्रोग्रेस सेव के तौर पर यहाँ देख सकते हैं जो यानी कि फ्रेंड आप इसमें करेंगे। कन्वर्ट टोकन करना चाहते हैं तो अपने ब्राउज़र में जाएंगे, तो यहाँ से अपने यानी कि टोकन के तौर पर यहाँ से कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड आप इसमें देख सकते हैं कि SMP को BUSD रिवार्ड को आप चेंज करेंगे तो 40 यानी कि डेज़ के अंदर होगा, 40 यानी कि आपके BUSD के तौर पर यानी कि 40 के तौर पर होंगे। तो आपने इसमें यानी करना है, तो इसमें यानी कि BUSD के तौर पर यानी कि 1 होगा तो 40,000 यानी कि आपके SMP यानी कि होंगे, तो उसमें यानी कि आप इसमें चेंज कर सकेंगे। तो आप देख सकते हैं कि परमिशन मेटामास्क इसमें यानी कि आप फेज कितने भर रहे हैं, तो आप फ्रेंड इसमें यानी कि चेंज कर सकते हैं। तो आपके सामने यहाँ देख सकते हैं कि उसने हमें बताया हुआ है, तो आप इसमें यानी कन्फर्म करेंगे तो आप यहाँ से इसे स्वैप कर लेंगे जो उसने यहाँ बताया हुआ है।
नेक्स्ट फ्रेंड आप देख सकते हैं कि 100 सोल ऑफ मेटा पे एबल करेक्टर NFTs गिवे है, तो इसमें गिवेज दे रहा है आपको क्रिप्टो राइजिंग स्टार कम्युनिटी के लिए। तो इसमें यानी कि 2000 वर्थ NFT है, जिसमें यानी कि आप एक्सक्लूसिव यानी कि इसमें क्रिप्टो राइजिंग स्टार कम्युनिटी के तौर पर यहाँ से अर्न कर सकते हैं। और इसमें फ्रेंड आप देख सकते हैं कि आप फंड टू अर्न जर्नी है, जिसमें यानी कि आप इसे विन कैसे करेंगे, तो आप इसे हाउ टू विन करेंगे, तो इसमें यानी कि उसने यहाँ बताया। तो आप इनको सबको यानी कि करना है रिवार्ड्स फॉर 2000 यानी कि डॉलर यानी कि इस पेबल करेक्टर बता रहा है NFTs फॉर लकी 100 लकी विनर हैं। उसमें यानी कि फ्रेंड आप देख सकते हैं कि वन टाइट तौर पर डॉलर बताया गया है। उसके बाद फ्रेंड नेक्स्ट आप इसकी मुख्तलिफ किस्म की यहाँ देख सकते हैं जिनको आपने कम्प्लीट करने ऑल आइटम। तो इसमें यानी कि फॉलो करना ट्विटर टेलीग्राम सर्वर ये ऑल जितने भी दिए हुए हैं इनके पॉइंट्स बनते जाएंगे। तो आपने लास्ट में अपना BEP20 का वैलिड एड्रेस दे देंगे, तो यानी कि आपने कम्प्लीट टास्क करने के बाद। उसके बाद फ्रेंड नेक्स्ट आप इसके मुख्तलिफ किस्म के यानी कि दिए हुए लिंक ट्री के ऊपर यहाँ से भी आप इनकी ऑफिशियल यानी कि लिंक्स वगैरह दे सकते हैं, वेबसाइट हो गया, वाइट पेपर, और इसकी यानी कि ईच एंड एवरीथिंग यहाँ अवेलेबल है ट्री एंड लिंक ट्री के ऊपर। यहाँ से भी फ्रेंड आप इसे यानी कि ज्वाइन हो सकते हैं, यहाँ से भी आप इसे कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा फ्रेंड। इसके बाद फ्रेंड आप मुख्तलिफ किस्म करने के बाद आपको और भी यानी कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर यानी कि ले चलता हूँ, तो यहाँ से भी फ्रेंड आप इसे रिव्यू कर सकते हैं। फ्रेंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। टेक केयर।